साहब धन्यवाद आप जी का। पिछले बहुत लंबे समय तो डॉक्टर साहब गुरमत कॉलेज में आके क्लासा लेंदे ने। 13 साल पहला मैं भी जो गुरमत कॉलेज विद्यार्थी सी तो डॉक्टर साहब के कोलों पढ़ता रहा। मैनू माण है इस गल का। हुण मैं बेनती करांगा प्रिंसीपल नरिंदरपाल सिंह जी, वह केवल 2 मिनटां लई आप संगत के दर्शन करनगे। प्रिंसीपल साहब भी इत्थे एमए दीआं और ग्रैजुएशन दीआं क्लासिस लैंदे ने। इस कॉलेज के नाल प्रिंसीपल साहब की बहुत सांझ है, वो आप जी दे नाल विचार सांझे करनगे। प्रिंसीपल नरिंदरपाल खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब ने हुण तक कीर्तन का आनंद माणिया और हुण फॉर्मल तौर पर 20वें सैशन दे जिन्हां ने शमूलियत की उन्हां दा ये कोर्स कंप्लीट होया ते इंतजार है कि उन्हां दे विच्चों केड़े जिन्हां ने कुछ मरातबा हासिल किया ते कॉलेज वालों एक तुच्छ भेटा उन्हां नूं दित्ती जाणी है। दूसरे बन्ने 21वें सैशन दे जिहड़े जिन्हां ने पार्टिसिपेट करना उन्हां सारिआं नूं असीं जी आयां कहना। ओ वाहिगुरू अगे अरदास करनी है कि असी साड़ी इत्थे जो सांझ बनन लगी है ओ चिरजीवी होवे, ओ साडे जीवन दे अंदर खुशहाली लियावे ते साडा आत्मक विकास कर सके। साहब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर जो जितनी वारी भी पढ़ो कोई चीज़ नवी लगती है। हाले पढ़ते रोज़ हाँ पर कदे कदे कोई गल ऐसी मन नूं टुंबदी है, वो अंदर निशा करती है, ऐसा खिड़ा पैदा करती है। कोशिश यही हुंदी है जिवें 20 सैशन हो चुके ने, हर वारी जदों बहुत सारे लैक्चर ने जिहड़े रिपीट हो रहे ने पर और रिपीटिशन नहीं होंदी। जिवें हुणे डॉक्टर शमशेर सिंह जी कह रहे सन कि हर वारी कोई गल नवी होंदी है, क्योंकि जिथे आप सारे इस विच शमूलियत करदे हो ते कोई ऐसी टुंबना आप वालों, कोई ऐसा सवाल आप वालों लिखित रूप विच जां जिस तरह आ जांदा है, वो सोचन नूं और उस विषय नूं होर विशालता ते गहराई देण दे विच सानू भी प्रेरणा करदा है। ए आप दी जिंदगी विच भी ए कोई नवापन लियावेगा, क्योंकि इलाही बाणी दा ए गुण है कि ए चिर सदीवी, रोज़ कुछ ना कुछ नवियां प्रेरणावां लुकोईयां होईयां ने और बस वो लम्हे दी इंतजार हुंदी है कि कदों वो अंदरों टुंबना जाग जाए ते जिंदगी बदल जाए। खैर आप सब ने इस दे विच शमूलियत कीती, वाहिगुरु दा बहुत बहुत धन्नवाद है, क्योंकि ये जड़े मेल संजोग ने ये भी तुरदर गाहों लिखे हुए आउंदे ने। 20 सैशन हो जाण ते बहुत सारे कहंदे ने कि हैं सानूं पता ही नहीं सी कि इत्थे चलदा है कोर्स। खैर जदों भी आए, जिस दिन आए उही सवेरा रहा। वाहिगुरु अगे अरदास है आप दा इत्थे आना मुबारक होवे ते आप दी जिंदगी मुबारकां नाल भरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।